छह दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सबसे ज्यादा पैसा किसने कमाया? हर हर गंगे ने कमाया या खेसारी लाल यादव के फिल्म संघर्ष 2 ने कमाया? तो क्या है खबर इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। वैसा अगर आप पावर स्टार पवन सिंह के सच्चे फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक छोटा सा कमेंट जरूर करना और वीडियो आप पूरा देखिए तभी समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि खेसारी लाल यादव दुनिया भर को संदेशा दे रहे हैं कि उनकी फिल्म काफी हिट है, अपने बच्चों को दिखाना चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि खेसारी लाल यादव अपने बच्चे को फिल्म क्यों नहीं दिखाएं, क्योंकि खेसारी लाल यादव का बेटा जो ऋषभ है वो हमेशा ब्लॉगिंग करता रहता है, यूट्यूब चैनल चलाता है और साथ में देखा जाए तो मोबाइल से कनेक्ट भी रहता है। क्योंकि आपको पता है कि संघर्ष 2 जो फिल्म आई है वो बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के लिए फिल्म बनाई गई है, चीज आपको दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि खेसारी लाल यादव के फिल्म संघर्ष 2 को देखा जाए तो मल्टीप्लेक्स 48 थिएटर यहाँ पर मिल चुके हैं टोटल, जो कुछ थिएटर यहाँ पर बने। लेकिन मैं पावर स्टार पवन सिंह के फिल्म संग हर हर गंगे का अभी तक बढ़े हुए थिएटर का लिस्ट नहीं आया है। तीसरी सबसे बड़ी अपडेट है कि पावर स्टार पवन सिंह की फिल्म अगर देखा जाए तो हर हर गंगे ने अब तक टोटल के टोटल 1.5 करोड़ की कमाई कर चुकी है, जो कि अपने आप में एक नया इतिहास रच चुका है। वहीं पर हम बात कर लेते हैं संघर्ष 2 की, अगर बात कर लेते हैं तो संघर्ष 2 अभी तक टोटल के टोटल 1 करोड़ फाइनल अपडेट कर पाया। तो वैसा आप समझ सकते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह का पावर आप देख सकते हैं कि छोटे थिएटर में लगने के बावजूद भी पावर स्टार पवन सिंह की फिल्म हर हर गंगे ने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया भोजपुरी इंडस्ट्रीज में, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। साथ में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हर हर गंगे को कुछ और थिएटर, बड़े बड़े थिएटर भी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि फिल्म काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो हाइपर होने वाले हैं। क्योंकि 20 साल का रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो मनोज तिवारी का पावर स्टार पवन सिंह ने तोड़ दिया है, क्योंकि आपको पता ही है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये फिल्म जो हर हर गंगे है ये अपने आप में एक नया इतिहास रचेगी, तभी थिएटर से आउट होगी, क्योंकि कुछ थिएटर बहुत ज़्यादा थिएटर बढ़ने वाले हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।